उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को रेप के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वो चित्रकूट की एक महिला और उसकी बेटी के रेप के दोषी हैं और इसी मामले में गायत्री प्रजापति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गायत्री प्रजापति के अलावा दो और दोषियों आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी यही सजा सुनाई गई। इसके अलावा 2,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गायत्री प्रजापति 2017 में गिरफ्तार हुए थे, जबकि कोर्ट ने इस मामले में 4 लोगों को बरी कर दिया था। सौबात की एक बात यह कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री माने जाने वाले गायत्री प्रजापति को रेप केस में अब आजीवन जेल में रहना होगा। यही नहीं, इस मामले के दो और दोषी जिन्हें गायत्री प्रजापति का करीबी कहा जाता है उन्हें भी उम्र कैद हुई। कहा जा रहा है कि जब उन्हें यह सजा सुनाई गई तो उनकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि यह सजा उनके लिए बड़ा झटका है।